मेरे प्यारे दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी और एक बहुत ही बड़ी जानकारी निकल कर इस वक्त सामने आई है, जो मैं अभी आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा। इस बात से तो आज की डेट में कोई भी शख्स अनजान नहीं होगा कि पिछले साल 13 जून के दिन सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या घटा था, कितनी बुरी तरह से उनको मार डाला गया और सारा कुछ कवर अप कितनी सफाई से किया गया, जिसकी ही वजह से पब्लिक प्रेशर के चलते देश की सभी बड़ी बड़ी एजेंसियां, वो चाहे CBI, ED, NCB, इस केस की इन्वेस्टिगेशन में जुट गई। लेकिन निराशा की बात है कि एक साल बीत जाने के बाद भी आज तक असली सच ऑफिशियली बाहर नहीं आ सका है। सिर्फ एक ही एजेंसी है NCB, जो इस केस को ऐसा लगता है कि बहुत ही ज्यादा सीरियसली ले रही है, वरना CBI के पास जा जाकर बहुत सारे लोगों ने अपने बयान दर्ज करवाए थे, लेकिन आज तक CBI की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आई है। अभी इसी सिलसिले में और एक सुशांत सिंह राजपूत की चाहने वाली, जिनका नाम दीप्ति है, उन्होंने बताया कि उनके पास सुशांत सिंह राजपूत और उनके केस से जुड़े कुछ ऐसे अहम सबूत मौजूद हैं जो इस केस की पूरी तरह से काया पलट कर सकते हैं और सारे अहम अपराधी पकड़े जा सकते हैं इन सबूतों के बिना पर। और वो 8 मार्च 2021 के ही दिन ये सारे सबूत लेकर CBI के ऑफिस भी गई थी, और IPS नुपुर प्रसाद, जो कि सुशांत सिंह राजपूत का केस देख रही हैं, उनसे मिलने की और ये सारे के सारे सबूत हैंडओवर करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन नुपुर प्रसाद जी CBI ऑफिस में मौजूद ही नहीं थी। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश करी कि कैसे भी इन सारे सबूतों को CBI को दे दिया जाए। उन्होंने काफ़ी समय वहां पर वेट भी किया, लेकिन CBI के तरफ से उन्हें कुछ भी नहीं कहा गया और ना ही उनसे ये सारे सबूत मांगे गए। उसी के बाद वो निराश हताश होकर NCB का उन्होंने रुख किया और उन्होंने समीर वांगखेड़े जी को लेटर लिखकर अपॉइंटमेंट देने की बात कही, और NCB की जैसी छवि है, समीर वांगखेड़े जी की जैसी छवि है, एज एक्सपेक्टेड दीप्ति जी को अपॉइंटमेंट दे दी गई। ये तस्वीर एज ए प्रूफ आप सभी लोग देख सकते हैं, और दीप्ति जी के पास जो भी एविडेंस थे, समीर वांगखेड़े जी ने उन सारे सबूतों को स्टडी करने के बाद, अच्छे से टटोलने के बाद अपने अंडर टेक ओवर कर लिया है। अभी यहाँ देखने वाली बात यह है कि दीप्ति जी का दावा है कि ये सारे ऐसे सबूत हैं जो इस केस में बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होंगे जांच के दृष्टिकोण से। लेकिन यहां मेरा सवाल है कि मर्डर का एंगल तो CBI इन्वेस्टिगेट कर रही है, और CBI को इस केस में बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करना चाहिए था, लेकिन यहां लोगों को अपॉइंटमेंट ही नहीं दी जा रही है, उनसे मुलाकात करके जरूरी एविडेंस ही टेक ओवर नहीं किए जा रहे हैं। इसका मतलब हम आम लोग क्या समझेंगे? CBI सचमुच में सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर सीरियस है भी या नहीं, जो कि एक बहुत ही ज्यादा दुख की बात है। इस पूरे मुद्दे पर आप लोग के जो भी विचार होंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़कर हमारी आवाज और बुलंद करें। मैं मिलूंगा आप सभी से बहुत ही जल्द अगली वीडियो में और एक नए अपडेट के साथ।